आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, मैंने बिहार के प्रति अपना दिल निकाल कर रख दिया है और कोशिश की है कि बिहार की तरक्की की तरफ एक कदम बढ़ा लूं। तो आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि इस वीडियो में अंत तक मेरा साथ और मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। तू हमारी ताकत थी, ताकत है, ताकत ही रहेगी। कितना भी बदले जमाना, ऐ बिहार, तू हमारी मोहब्बत ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लाख कमियां हो, बेरोजगारी हो, पर बिहारी अपने बिहार से बेइंतहा प्यार करता है। एक वक्त था जब दुनिया भारत को बिहार की वजह से जानती थी, क्योंकि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र बिहार ही आते थे, जिसकी वजह से लोग हमारे देश को ज्ञान का मठ कहा करते थे। पर वक्त बदला और बिहार गुमनाम होने लगा, अपने ही देश में बेचारा बदनाम होने लगा। जिसकी शिक्षा के लोग मिसाल देते थे, आज वहीं का शिक्षा बदहाल होने लगा। किसकी नजर लग गई बिहार को, ऐसा भी सवाल होने लगा। सवाल तो हमारे मन में भी है और हजारों हैं कि दुनिया के महान राज्यों में से एक राज्य बिहार की स्थिति इतनी दयनीय कैसे हो गई। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हमने शिक्षा से मुंह मोड़ लिया। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती गई पर हमारी एजुकेशन नहीं बढ़ी, और सोचते हैं तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हमें बिहार को पहले की तरह ही समृद्ध बनाना है तो हमें अपने एजुकेशन को पहले की तरह ही फुल लेंथ में लाना होगा। बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदला, नहीं बदला तो बिहार में रोज़गार की हालत, और जिसके वजह से बिहारियों को दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में जाना पड़ता है। आखिर कब तक बदलेगी बिहार की सूरत। एक साथ मिलकर रहेंगे तो तरक्की हो सकती है। चलिए दोस्तों, लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश भारत की आज़ादी के बाद से ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, पर हालात इतने बदतर नहीं थे। 30 से 40 वर्षों के भीतर बिहार की बदहाली अपने चरम पर पहुंच गई। यहाँ के लोग गरीबी में ऐसे फंसे कि बस बर्बाद ही हो गए। जो फैक्ट्रियाँ थीं वो बंद होने लगीं और रोज़गार लगातार कम होती चली गई। नौजवानों ने पलायन शुरू कर दिया, रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने लगे और यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी जाने को मजबूर हो गए। पर जब रोज़गार में गिरावट शुरू हुई तो किसी ने भी अपने दरवाजे पर वोट मांगने आने वाले नेताजी से किसी ने नहीं पूछा कि जब आप हमें हमारे राज्य में नौकरी नहीं देंगे तो हम आपको वोट कैसे देंगे। आपको हमारी रोजी रोटी से मतलब नहीं है तो हम आपके हार जीत से क्यों मतलब रखें। आप हमारा सोचो, हम आपका सोचेंगे, क्योंकि हमारे इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है और दूसरे राज्यों में जाकर बेइज्जती का सामना हमें ही करना पड़ता है। लोग हमारे बोलने के टोन का मजाक उड़ाते हैं, इसमें मजाक उड़ाने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर जगह का अपना अलग टोन होता है। पर यूपी बिहार के लोगों की बेइज्जती कर अपने आप को इज्जतदार बनने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। हम जब इनके साथ ट्रेनों के एसी बोगी में शांति से बैठे होते हैं तब तक सही हैं, पर जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी हमने कहा पाए लागत हैं अम्मा। बस इनका चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे हमने किसी को झन्नाटेदार छापड़ मार दिया हो। अरे कोई समझाओ इन पढ़े लिखे जाहिलों को कि ये हमारी सभ्यता, हमारे देश की पहचान है। तुम्हारे अंग्रेजी बोलने से तुम अंग्रेज नहीं हो जाओगे, पर हमारी भाषा बोलने से हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे, और हम कहीं भी रहेंगे अपनी मिट्टी अपनी भाषा से प्यार करते रहेंगे। क्योंकि ये जिन बिहारियों को छोटा समझते हैं, हकीकत में अगर बिहारी न होते तो दुनिया में तुम्हारी पहचान न होती। क्योंकि हमारे हाथों में शहनाई थमाई जाती है तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथों में अगर थमाई जाए तो दुनिया के महान सम्राट अशोक और बाबू वीर कुंवर सिंह बन जाते हैं, हमारे हाथ में बागडोर थमाई जाए तो हम चाणक्य बन जाते हैं, हमारे हाथ में अगर कलम थमाई जाए तो हम आर्यभट्ट बन जाते हैं,
हमारे हाथ में अगर नासा की बागडोर थमाई जाए तो हम अपोलो को लॉन्च कराने वाले डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह बन जाते हैं। हमारे हाथ में देश की राजनीति थमाई जाए तो हम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। हमारे हाथ में अंधे को थमाया जाए तो हम दुनिया को ऑपरेशन सिखाने वाले सुश्रुत बन जाते हैं। अरे अगर बिहार की महानता गिनाएं तो पूरी रात कम पड़ जाए और तुम हमें जाहिल और गरीब समझते हो। हम बिहारियों से बतियाने की, हाँ वो बात और है कि वक्त खराब होता है, तो अभी बिहारियों का वक्त खराब चल रहा है, पर वक्त तो अपना भी आएगा, क्योंकि पहचान कैसे बनानी है ये दुनिया को हम बताएंगे। बेशक बिना नाम आए थे यहाँ, लेकिन वादा करता हूँ बिना नाम किए नहीं जाएंगे। हम बिहारी जाग चुके हैं, अपना नाम भी बनाएंगे और अपना काम भी दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि हम कैसे बुरे वक्त को बेहतरीन बनाएंगे। हम अपनी रोजगार बढ़ाएंगे, अपने राज्य में छोटी छोटी लघु उद्योगों से शुरुआत करेंगे। बिहारियों में हुनर की कमी नहीं है और ना ही वो काम से भागने वाले हैं, बस उन्हें ज़रूरत है तो एक सही राह दिखाने वाले की, जो उन्हें सही ढंग से कामों को बता सके कि कौन से काम में कितना लागत और कितनी कमाई है, कौन सा काम किस जिले के लिए कितना फ़ायदेमंद है। एक बार उन्हें ऐसा कोई बेहतरीन साथी मिल जाए तो वो आंधियों से भी तेज़ निकल जाएंगे। बिहारी भाइयों, हमें अपने रोजगार और धंधे खुद करने पड़ेंगे और हर मुश्किल को आसान बनाकर अपने राज्य को विकसित बनाएंगे। क्योंकि किसी ने सच कहा है कि जब दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है, और जीत तो बिहारियों की पहचान है। बस बिहारी युवाओं को वक्त के साथ चलने की जरूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, तभी हमारे बीच कोई चाणक्य आएगा और बिहार को कूटनीति का पाठ पढ़ाएगा। वैसे बिहार के लोग प्रतिभाशाली और मेहनती होते हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बस जरूरत है अपने राज्य को ऊपर कैसे लाया जाए इस पर विमर्श करने की। क्योंकि बिहारी सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी बहुत तेज होते हैं। हमारे बिहार को ग्रोथ की राजनीति करने की ज़रूरत है ताकि बिहार तेज़ी से ग्रोथ कर सके और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। आपने बिहारी छात्रों का दम तो देखा ही है, जिसका नतीजा आईपीएस जैसे बड़े पोस्ट पर बिहारी विराजमान हैं। इस बात को पूरा देश जानता है। अब बिहारियों को रोजगार और लघु उद्योग धंधों में हाथ आजमाने की बारी है। लघु उद्योग से बिहार को कितना फायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते, और आप एक शानदार बिजनेसमैन के रूप में उभरेंगे। किसी से रोजगार मांगने वाला लोगों को रोजगार देने वाला बन सकता है और अपने राज्य में रहकर रोजगार खड़ी कर सकता है। दुनिया ने आपका शिक्षा के क्षेत्र में लोहा माना है, अब बिजनेस में अपना लोहा मनवाना है। वैसे हमारी सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश कर रही है। आपके मन में सवाल है कि हम आखिर किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपना एक नया व्यापार चालू करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे बिजनेस आइडियाज़ ना होने के कारण वो हताश हो जाते हैं। लोगों में यह भी धारणा होती है कि आपको कोई नया काम शुरू करने के लिए खूब पैसा लगाना पड़ता है। यह चीज़ हर जगह लागू नहीं होती। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो कम लागत में भी किए जा सकते हैं। जब कम लागत वाले काम या बिजनेस की बात आती है तो बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें मुनाफा भी कम होगा। यह बात एक हद तक तो सच है, लेकिन आप छोटी शुरुआत करके इन कामों को बहुत बड़ा बना सकते हैं। लघु उद्योग कैसे कर सकते हैं, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक के लोन देने का प्रावधान क्या क्या है, इन सब की डिटेल आपको अगली वीडियो में दूंगा। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।